आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद हलचलें शुरू हो गई हैं और हलचलों के साथ शुरू हो गई है बेचैनी। बेचैनी अपने परंपरागत वोट बैंक के भटकने को लेकर, बेचैनी कम सीटों को लेकर, बेचैनी हार को लेकर और बेचैनी आने वाले 24 चुनाव को लेकर। बेचैनी होनी भी चाहिए, अगर 24 चुनाव के पहले आपकी स्थिति डगमगा रही है तो कहीं कहीं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हैं। निकाय चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव था और यहाँ पर तमाम पार्टियों ने मेहनत की, तो तमाम पार्टियों ने यहाँ बाकोवर भी दिया। मैंने बाकोवर की बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सभाएं करते नजर आए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो विपक्ष में हैं उनके द्वारा 5 से 6-8 सभाएं ही की गई, वो भी खास जिलों पर जब उनसे कहा गया। कारण क्या था कि अखिलेश यादव उस दौरान मध्य प्रदेश गए थे और कर्नाटक दौरे पर गए थे और विपक्ष को लामबंद करने का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक दौरे पर गए, वहाँ पर जनसभाएं की, रोड शो किए और विपक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया और वहाँ पर जो लाभ मिला वो लाभ मिला कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर सरकार बना ली बीजेपी को हरा कर। पर यहाँ पर अखिलेश यादव को लाभ क्या हुआ, विपक्ष लामबंद न हुआ वो अलग बात है, पर यहाँ पर निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो फिलहाल अखिलेश यादव के लिए नुकसानदेह हैं। कारण यह है कि अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी ने 2017 में महज 30.8% वोट मिले थे, पर इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और इस बार वोट प्रतिशत पहुंचा है 31.22% देश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मुख्य विपक्षी पार्टियों का अगर कुल वोट परसेंटेज देख लें तो महज 28.65% क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि तीन मुख्य विपक्षी पार्टियां यहां मिलकर महज 28.65% वोट लाती है और बीजेपी यहां पर 2017 का जो आंकड़ा है पीछे छोड़ते हुए यहां पर 31.22% वोट लाती है, जो बताती है कि बीजेपी ने जो मेहनत की उसका लाभ उसको मिला। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के बाद सपा और सपा के बाद कांग्रेस बसपा को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान एक आंकड़ा और चौंकाने वाला है, वो आंकड़ा है AIMIM यानी ओबीसी की पार्टी, यानी हैदराबाद के सांसद की पार्टी, यानी वो सांसद जो समय समय पर तब्दील बयान भी देते रहते हैं और चर्चा बने रहते हैं और आते रहते हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और उसी संगठन की मजबूती का ये असर है कि AIMIM ने 3 नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को हथिया लिया, जीत लिया, जिसमें हाथरस की सिकंदर राव, कानपुर की घाटमपुर और संभल की सीट भी शामिल है, 3 महत्वपूर्ण सीट नगर पालिका की। और इसके साथ साथ बरेली की थिरिया और गाजियाबाद और बरेली और फिरोजाबाद में 19 पार्षद जीत कर आए हैं, 33 नगर पालिका सदस्य जीत के आए हैं, 23 नगर पंचायत सदस्य जीत के आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी अपने नाम कर ली, यानी 3 नगरपालिका, 2 नगर पंचायत और 19 पार्षद निगम के, 33 पार्षद नगरपालिका के और 23 सभासद नगर पंचायत के, आंकड़ा देखिए आप। और भाई आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 नगरपालिका अध्यक्ष, 7 नगर पंचायत अध्यक्ष और 100 से ज्यादा पार्षद, महत्वपूर्ण वो आम आदमी पार्टी जिसको यहां पर लाभ नहीं मिला था। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर हम बात करना भूल जाते हैं कांग्रेस की, पर कांग्रेस को कब मत समझिए, कांग्रेस ने यहां पर अगर हम बात करें तो 4 जहां पर बीजेपी ने 17 मेयर सीट जीती है तो 4 जगह कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है, यह बात सोचनीय है सपा के लिए भी और अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए भी। और मुरादाबाद की सीट तो बहुत कम अंतर से हारी है। कांग्रेस को जिस तरह से यहां पर क्षेत्रीय दल को अलग एक प्रकार से मिल रहा है लाभ, अगर समर्थन मिल रहा है तो आने वाले 24 चुनाव में उनके लिए लाभ भी है क्योंकि 22 के चुनाव में महज 2 सीट जीत कर आए थे। और यहाँ पर जिस तरह कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला है वो भी स्पष्ट करता है कि शायद उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर तवज्जो ना देते हुए अब राष्ट्रीय दलों पर मतदाता रीझ रहा है, क्योंकि मतदाता को चाहिए परिणाम जो
केंद्र की भाजपा सरकार को टक्कर देने, चुनौती देने की कोशिश करता नजर आ रहा है, वो आ रहा है कांग्रेस। कर्नाटक जीत, हिमाचल जीत और तमाम तरह की स्थिति स्पष्ट करती है कि कांग्रेस बड़ी मेहनत करती है और अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस की तस्वीर है वो अलग है। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता गई, सत्याग्रह हुआ और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया गया और उसका परिणाम यह रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कर्नाटक में जिस तरह से जीत हासिल हुई है, कहने का स्पष्ट करता है कि अब मंथन और जरूरी है। खैर, बीजेपी यहां पर मंथन भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है और बीजेपी ने मंथन मेहनत करने के लिए यहां प्रयास भी कर लिए है। 30 मई से 30 जून तक यहां पर देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा और लोग आएंगे, सांसद जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे, मंत्री जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जीत की रूपरेखा रखेंगे, यानी हैट्रिक का प्रयास करेंगे। तो भाई विपक्ष भी यहां पर लामबंद होगा और ये संदेश, कर्नाटक का संदेश उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी है जिन्होंने विपक्षी एकता की बात करते हुए कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया था कि कांग्रेस अपना देखे। पर शायद ये बात अब उनके लिए लागू नहीं होती है कि कांग्रेस अपना देखे, कि सब जानते हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो पार्टी केवल केवल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी जलजल की तरफ आई और आम आदमी पार्टी ने चीजें खराब की, बताया कि हम मुफ्त की राजनीति लेके आ रहे हैं, पर मुफ्त की राजनीति ना लाते हुए यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया के साथ आए, झाड़ू की बात की और स्थिति खराब हुई अन्य पार्टियों की। क्योंकि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ने 3 नगरपालिका जीती है, 7 चेयरमैन जीती है और 100 से ज़्यादा पार्षद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये संजीवनी है और विपक्ष के लिए ये बेचैनी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर अब नहीं जीते या अब संगठन मजबूत नहीं किया, अगर अब रणनीति नहीं बनाई तो उसका खामियाजा आगामी आम चुनाव में आपको होने वाला है और जिसकी पटकथा अब रचनी शुरू भी हो गई है। बीजेपी यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी और यहां पर विपक्षी पार्टी का भी एक सोचना है कि हमको लड़ना कैसे है। पर जिस तरह से ये खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए बजी है, अब सोचना होगा। क्योंकि रामपुर में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतना स्पष्ट करता है कि बदलाव है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम और यादव उनका परंपरागत वोट बैंक है और अगर वो वोट बैंक में अब सेंध लगती नजर आ रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के और AIIMM के आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लग चुकी है। वो मुस्लिम मतदाता जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में खुलकर सपोर्ट दिया और खुलकर सपोर्ट का ये वो था कि समाजवादी पार्टी 2017 में जहां महज 47 सीट पर आई थी, इस बार 111 सीट पर आके उसको मुख्य विपक्ष की भूमिका मिली। पर भूमिका के साथ निर्वाह करना जरूरी है और जब निर्वाह नहीं हुआ तो मतदाता छिटकेंगे ही। अब यहां पर बीजेपी के विरोध में जाके मुस्लिम वर्ग ने वोट दिया है या यहां तक कहना है कि तमाम बड़े बीजेपी नेताओं का कहना है, मुस्लिम वर्ग के नेताओं का कहना है कि मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी के साथ आ रहा है और तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी को यहां पर अगर कुछ लाभ हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। नुकसान अगर कर्नाटक में हुआ है तो उत्तर प्रदेश निकाय में लाभ भी हुआ है। खैर, निकाय चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और हम सब देख चुके हैं, जहां एक तरफ बीजेपी 31.22% वोट के साथ मुख्य रूप में उभरी है तो वही सपा बसपा और कांग्रेस में 28% वोट के साथ स्पष्ट करती है कि विपक्ष तो है पर मजबूत नहीं है। क्यों बाकोवर दिया गया, क्या मेकओवर किया गया, राजनीति में क्या संशय था, रणनीति में क्या कमी थी कि यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव निकाय चुनाव छोड़कर कर्नाटक दौरे पर चले गए, मध्यप्रदेश दौरे पर चले गए, सभा और हो सकती थी और यहां पर पटकथा बदल सकती थी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम लोग कह रहे हैं। क्या जानबूझ की स्थिति ऐसी रही कि मेहनत नहीं की गई या सभाएं नहीं की गई? क्योंकि अगर चाहते तो कई जगह जनसभा और रैलियां करके वहां के मतदाताओं का मन और लहर बदल सकते थे और शायद परिणाम भी सपा के पक्ष में आते। पर जिस तरह से 17 मेयर सीट जीतकर बीजेपी आई है, बीजेपी स्टेप्स कर दिया है कि अगर रणनीति बेहतर करेंगे, मेहनत बेहतर करेंगे तो परिणाम आपके सामने आएंगे। परिणाम फिलहाल सामने आया और महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज, हार पर मंथन जरूरी, जीत पर चर्चा जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसकी बजी घंटी और किसकी है बेचैनी। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, नेता सभा से मोहम्मद अखलाक अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके फार्मन प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकिया बात रखेंगे,
प्रदीप तिवारी कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेंगे और विशेषज्ञ रूप में यहाँ पर दिलीप यादव अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रवक्ता भाजपा विवेक भाई, जीत तो हासिल हुई है पर जीत के साथ एक घंटी आपके लिए भी है, क्योंकि यहाँ एक तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है, जो स्थिति MCD में हुई वो यहाँ भी हो सकती है, भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, और जिस तरह से यहाँ पर AIMIM के नेता जीते, 3 नगरपालिका, 2 नगर पंचायत, तमाम पार्षद, तमाम सभासद, तो यहाँ पर मंथन आपका भी जरूरी है, क्योंकि 24 चुनाव आपके लिए भी खास है और इस बार चुनौती हल्की नहीं है, ना 14 है ना 19 है, इस बार 24 है। क्या राय आपकी? देखिए गौरव जी, 2024 का जहाँ तक प्रश्न है, कहने को कोई भी कह सकता है कि 2024 का ये सेमीफाइनल है जी। कुछ लोग कहते हैं कर्नाटक का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है, कुछ यहाँ के नगर निगम चुनाव के बारे में ऐसी बात करते हैं जी। लेकिन जहाँ तक मेरा स्पष्ट मत है, 2024 का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। अच्छा। और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। ठीक है, चुनावों के माध्यम से हमारी तैयारियों का आकलन तो हो जाता है कि कौन कितनी तैयारी में है। अच्छा। लेकिन ये कहना कि उसका सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या कुछ ऐसा है, तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। अच्छा अच्छा। 2024 का चुनाव तो निसंदेह राष्ट्रीय मुद्दों पर, आप लोग हैट्रिक बोले तो कुछ नहीं, हमने सेमीफाइनल बोल दिया तो आपको बुरा लग गया? हमने बुरा पे नहीं कहा। अच्छा। मैं आपकी बात पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और ये तो तय है कि किसकी कितनी तैयारी को यहाँ सामने दिख गया। अच्छा। अब नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया, मेयर की 17 की 17 सीटों पर अपना परचम लहराया जी। एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत मैसेज है जी, भारतीय जनता पार्टी को ये रिकॉर्ड, ये परिणाम कभी नहीं मिले। क्या बात। जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है ठीक, और हम अपनी जीत से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत संतुष्ट तो नहीं है जी, लेकिन हम दुखी भी नहीं है। ठीक। अच्छा। है, हमें कुछ और जरूरत थी, कुछ और हमारी हमें मिलना था, वो नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन जो मिला वो ठीक है जी। जनता जनार्दन का जनमत सन्मा थे। अच्छा। उन सबका सम्मान करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया, चाहे UP में दिया, चाहे कर्नाटक में दिया। अच्छा। जैसा भी दिया, दोनों में हमारा संभाव है और दोनों मतदाताओं का हम हृदय से धन्यवाद। भाई पर यहाँ पर लोग जो विपक्ष बोल रहा है कि आप वहाँ पर बजरंग दल और बजरंग बली वाला बयान जो आप लोग चर्चा में ले आए थे, उन बयान से ही आप लोग कर्नाटक हार गए, हर जगह धार्मिक बयानबाजी नहीं चलती है। देखिए गौरव जी, धार्मिक विषय तो वहाँ कांग्रेस ने उठाए। अच्छा। 1962 से कांग्रेस मुस्लिमों को वहाँ आरक्षण दे रही है। अच्छा। हम आज भी अपने उस मुद्दे पे डिटरमिनेंट हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पे धर्म के आधार पे आरक्षण का प्रावधान है, कोई कांग्रेसी बता दे जी, कोई नहीं बता पाएगा जी। और हमने उसे हटाया, काउंटर में ये कहते हैं साहब हम बजरंग दल में प्रतिबंध लगाएंगे। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना PFI से करना, यही अपने आप में एक पाप है। अच्छा। और ये आपकी बात पर प्रवक्ता मुस्कुरा दिए, ये ठीक है, कोई मुस्कुराए कोई हंसे, कहीं खुशी कहीं गम, ये चलता रहता है। लेकिन जो संगठन हमारा है, जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम स्थापना से लेकर के आज तक जिस जो हमारी निगाह के सामने है, उस संगठन के ऊपर अगर ऐसी कोई आरोप लगते हैं तो उस पर प्रत्युत्तर देना हमारा बिल्कुल दायित्व है, हम दे रहे हैं जी। बिल्कुल। बजरंग दल की स्थापना राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की गई थी जी। फिर धीरे 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 बजरंग दल विकसित होता गया, युवा उससे जुड़ते गए, बजरंग दल संगठन पूरे भारत में खड़ा हुआ। उनका कार्य ही है असामाजिक तत्वों से हमारे सामाजिक कार्यक्रमों की, सामाजिक परंपराओं की रक्षा करना। अच्छा। और वो कर रहे हैं, उसमें किसी के पेट में पर आपने विवेक यहाँ पर कहा कि कांग्रेस धार्मिक पिच पर आपको लेके आई, तो अगर वो कांग्रेस धार्मिक पिच पर आपको लेके तो आप पिच पर खेल नहीं पाए? नहीं, हम पिच पर किसी पिच पर आप उत्तर प्रदेश में खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए हम वहाँ पे, हमने वहाँ पे अच्छा किया, हमने मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो प्रदेश सरकार थी उसको लेकर के
लोगों में कुछ नाराजगी थी, बेहतर गवर्नमेंस नहीं कर पाया, जिस चीज को हम अंत तक नहीं डैमेज कंट्रोल कर पाए जी। और ये जो परिणाम हमें मिले हैं गौरव जी, मैं बहुत बेबाकी से कहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के परिश्रम और सब लोगों के परिश्रम कारण मिले। नहीं अगर ये प्रदेश सरकार के या उस वहाँ के स्ट्रक्चर के भरोसे होता तो ये परिणाम भी हमें ना मिलते। लेकिन हम कर्नाटक की जनता का आज भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है और हमारे लिए उन्होंने ऑप्शन बंद नहीं किए हैं। अच्छा, कोई हमें क्लीन स्वीप नहीं करके बाहर कर दिया है, हमें विपक्ष की भूमिका दी है और कहा है कि आप अच्छे से काम करें, मैं आपको आगे। अच्छा, ये आ गई जी, अच्छी जीती है, हमारी पार्टी भी अच्छा जीती है जी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान तो होगा यहाँ पर। देखिए ये जिन, क्योंकि जहाँ नगर पालिका में जीती है वहाँ पर वर्चस्व बढ़ेगा, चीजें बढ़ेगी, ठीक है, लुभाव बढ़ेगा, झुकाव बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। देखिए और सारे जितना भी ये चीजें हैं जहाँ बढ़ेगा वहाँ पर नुकसान होगा। देखिए जहाँ तक लगा नहीं सकते AIM का सवाल है, ये उन्हीं स्थानों पर जीती है जहाँ के मतदाताओं का झुकान समाजवादी पार्टी या हमारे विरोधी दलों के तरफ रहता अच्छा। है। आम आदमी पार्टी भी वहाँ ही सक्सेस होती है जहाँ कांग्रेस, हमारी पार्टी अयोध्या में भी जीत गई भैया, अयोध्या में मूल वहाँ नहीं जीती है, जीती है जहाँ दीपदान होता है वही वार्ड जीत गई है, वार्ड जीती है, वहाँ नगर पालिका नहीं जीती है, नगर निगम नहीं जीती जी है। और देखिए जिस तरह की स्थिति है भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई जीतेगा अच्छा, आपके लिए बेचैनी है कि नहीं, ये तरीके से किससे इन लोगों से दिक्कत है, रहेगी, चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी? देखिए हम बिल्कुल, हम अपनी तैयारी हम करते हैं, ठीक, अपनी तैयारी ये करते हैं, ठीक, इन्हें भी अपनी तैयारी करने का उतना अधिकार जितना हमें अधिकार है। अच्छा, हमें जनता ने जो दिया, हम जनता का जनमत हमारे सर माथे। धांधली का आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर, धांधली कराए आप लोग, देखिए ये प्रशासन से आपने, ये तो विपक्ष की, ये तो विपक्ष की ऐसी बदनीयती भरा बयान है। हाँ, ईवीएम का आरोप नहीं लगाया, हालांकि इस बार पर तो आरोप लगे, विपक्ष बदनीयती है कि विपक्ष जब हारती है अच्छा तो आरोप लगा देती है, नहीं इस बार आरोप नहीं लगा, जीती भी है ना इस बार, जीती है हाँ, विपक्ष जब जीतता है तो ऐसी किसी बात पे मुस्कुरा के चल देता है। अच्छा, यही कांग्रेस के प्रवक्ता कर्नाटक में परिणाम आने से पहले ही धांधली के आरोप शुरू कर दिए थे। अच्छा, जब परिणाम आ गया तो अब नहीं कोई ईवीएम की मैयत निकाल रहा है। अच्छा, ये सब विपक्ष का जो दोगला रवैया है अच्छा, जनता के सामने आता रहता है, पूछ लेंगे, जनता ये सबको देखती रहती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन समय आने पर सबका मूल्यांकन करेगी। ठीक ठीक, नेता सभा मोहम्मद अखलाक भाई, मुस्करा रहे थे आप विवेक भाई की बात पर, भाई यहाँ पर आप नुकसान तो आपका हुआ भाई, AIMM जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव अगर इन पार्टियों की तरफ बढ़ रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, उससे आप नकार नहीं सकते हैं कि कई जगह आपको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी चार जगह पर सेकंड स्थान पर रही है, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी चार स्थान पर नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है। और कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें लेकर आई थी, उस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, मेहनत की है, उतनी मेहनत भी नहीं की, पर यहाँ पर मेहनत जानबूझ के नहीं की गई या जानबूझ के बाकोवर दिया गया या 24 चुनाव को देखते हुए अलग तरह की रणनीति है। एक लाख देखिए गौरव भाई जी, पहले तो मुस्कुराने वाली बात पे कहूंगा, तो विवेक भाई की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, उन्होंने कहा सब मुस्कुराएं, तो मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, चलिए मुस्कुरा लीजिए आप सब लोग, मुराद जितने पहले, चलिए मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ, जनता मुस्कुराए, भाई मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में जो हमारे यहाँ का स्लोगन है, जनता पार्टी की सरकार में मुस्कुराना मुझे लगता है आज बहुत बड़ा विषय हो गया। अच्छा, और रही बात दूसरी, देखिए आपने कही कि जो समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए राष्ट्र हमारे महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने परसों एक बयान साफ दे दिया कि देखिए छोटा चुनाव था और छोटे चुनाव में देखिए गुटबाजी हो जाती है। अच्छा अच्छा, आदमी नाराज हो जाते हैं, आदमी टिकट चार चार मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जो भी चीजें हुई हैं ठीक है, रिजल्ट हमारे हक में नहीं रहे मगर इतने भी खराब नहीं रहे, उत्तर प्रदेश ने जनता ने हमारी बातों को समझा, हमारी नीतियों को समझा है, जितना भी समझा उसका धन्यवाद करते हैं, जो लोग नहीं समझ पाए उनको समझाने का काम करेंगे। अच्छा, और रही हार और जीत के बाद, तो हम लोग नेताजी की विचारधारा के लोग हैं, अच्छा, समाजवादी, तो नेताजी तो साफ कहते थे कि समाजवादी कभी हारते नहीं है, या अच्छा, जीतते हैं या सीखते हैं, तो हम बेशक सीखने का काम फिर से आगे कर रहे हैं और हम समीक्षा करेंगे अपने संगठन में कहाँ कमी रहेगी, क्या रह गया, और आने वाला चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, और आने वाला चुनाव देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, हमारे बड़े भाई विवेक भाई कह रहे थे कि राष्ट्र मुद्दों पे होगा, कौन से राष्ट्र मुद्दे हैं जरा वो हमें बता दें, राष्ट्र मुद्दे क्या हिंदू मुस्लिम होंगे, राष्ट्र मुद्दे क्या शमशान और रमजान होंगे, राष्ट्र मुद्दे क्या बजरंग बली अली होंगे। अच्छा, विकास के मुद्दे पे लड़िए, देश हमारा
रहे, हम चाहते हैं देश हमारा उज्जवल तरक्की करे, उसमें जितने भी जनता है वो खुश रहे, तो मुद्दे ऐसे होने चाहिए। अभी पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें उस पर कोई बहस नहीं हुई, कुछ जवाब नहीं दे पाए कि उसकी क्या जांच हो गई, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी अतीक पे जो शूटर ने गोली मारी थी, बंदूक पाकिस्तान से आई थी, कौन लेके आया था, कहाँ से लेके आया था, अभी जांच का विषय है। तो जांच के विषय ये भी हैं और मुद्दे ये भी होने चाहिए। और जो जनता के प्रति मुद्दे हैं, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचार है, उन पर ध्यान दीजिए। और 2024 को चुनाव, जैसे साफ कहा है हमारे नेता ने भी कहा, यानी अखिलेश यादव साहब ने भी कहा है कि हम आने वाले लोकसभा 24 के चुनाव में जो हमें नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला है उनकी हम समीक्षा करेंगे और मजबूती के साथ मेन विपक्ष में इनको हम चुनौती देने का काम करेंगे। सभाएं की नहीं, रैली की नहीं, समीक्षा क्या करेंगे? नहीं, हम लगातार सभाएं करी हैं, अखिलेश यादव रोड शो भी किए, अखिलेश यादव साहब ने मीटिंगें भी करी, मुख्यमंत्री ने 50 से ज्यादा सभाएं की हैं। अखिलेश भाई मुख्यमंत्री हैं, वो कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, मगर जहाँ जहाँ करना चाहा हम लोग ने किया। अखिलेश यादव साहब कर्नाटक भी गए थे, वहां भी गए, उसका रिजल्ट आपने देखा। और जहाँ जहाँ गए हैं, अभी जो जो इलेक्शन होने, 2024 का चुनाव आ रहा है, विपक्ष के लिए क्या वहां पर रैली करने का? आप रिजल्ट देखिए गौरव भाई, आप रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, कर्नाटक तो आपने देख लिया, अच्छा केरला भी आप देखेंगे, सब चीज जितनी भी चीजें होंगी, अच्छा और सब चीजें आप चले सबके सामने आएगा, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस जी बोलिए, बातचीत के दौरान इखलाक भाई ने कहा भुखमरी जी, तो देखिए आज तो भुखमरी कहीं नहीं है जी, हर गरीब को मुफ्त राशन मयसर, ठीक है, भूख से कोई मर यहाँ पर राशन योजना का विषय नहीं। बातचीत के क्रम में भुखमरी जैसे शब्द प्रयोग करने का उचित नहीं है, तो आप बता दीजिए, बता दीजिएगा अपने टर्न पर, या तो मैं बता दें भुखमरी से निकला से क्या स्पष्ट पूछ लीजिएगा कि आपको राशन योजना का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। प्रदीप तिवारी कांग्रेस, प्रदीप भाई आपके लिए सुकून की बात और बधाई आपको कर्नाटक के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मेहनत ना करने के बावजूद झुकाव तो हुआ है और झुकाव आने वाले समय में आपके लिए सुखद है। कैसे देखते निकाय चुनाव को लेकर और 24 की पटकथा कैसे तैयार होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम दलों के बड़े नेताओं द्वारा कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया गया था, नाम नहीं लिया जाता था, विपक्षी एकता में नाम नहीं लिया जाता था, मुलाकात तक नहीं होती थी। प्रदीप भाई कैसे देखते हैं? पहले कांग्रेस पार्टी के रूप में आपने जो मुझे प्रवक्ता के रूप में बधाई दी, वो बधाई की पात्र कर्नाटक की जनता है जी। इतना प्रचंड बहुमत दे करके जी कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार बनाई जी और भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ने का काम किया। अच्छा, जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में व्याप्त था, किसी से छुपा नहीं, किस तरीके से वो लेटर बाहर आता है जी, किस तरीके से 40% की कमीशन की सरकार, वो वहां से वहां की जनता ने समझदारी का परिचय देते हुए और कांग्रेस पार्टी जी के जो वादे थे उन पे विश्वास करके और जो हमारे नेता वहां के जो थे स्टेट के लगातार मेहनत कर रहे थे वहां पे, और ये उसी का परिणाम है, सुखद परिणाम है जरूर कांग्रेस के लिए और पूरे समूचे विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम कर्नाटक से आया या अभी पिछले दिनों में भी चुनाव हुए जी, हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी जीती है जी, अपने दम पे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और भविष्य में जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो जी, या आपका छत्तीसगढ़ हो जी, वहां भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि दो राज्यों में तो हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं जो हमने किए थे, वो चाहे राजस्थान का हो, मामला आप देख लीजिए, वो चाहे एडवोकेट एक्ट लेकर के आना हो जी, चाहे बेरोजगारी के मामले में लोगों को भत्ता देने की बात हो जी, चाहे गैस सिलेंडर कम रुपए में देने की बात हो जी, या आप देखेंगे पुरानी पेंशन का मामला हो जी, हमने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया और राजस्थान में भी लागू किया जी, और हमने कहा था जो वादे किए कर्नाटक के लिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा और वहां के स्टेट के नेताओं ने भी कहा कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी हम उसी में वो सारे वादे अपने पूरे करेंगे। क्या बात, तो आपको दिखाई देगा जी, और इसका असर 2024 तक की जाएगा जी, आने वाले समय में आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, 2014 में जब मोदी जी आए थे जी, उसके बाद एक समय 29 राज्यों में से 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी। बिल्कुल, और आज देख लीजिए जी, जो ये डंका बजाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जादू चल रहा है, मोदी जी का जादू चल रहा है, तथाकथित मीडिया चैनलों के द्वारा दिखाया जाता है कि मोदी जी इस समय भारत ही नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता हो गए हैं। अच्छा, मगर हकीकत अगर आप देखेंगे तो 20 राज्यों से देखिए आधे से कम राज्यों पे आ गए हैं। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी लगातार अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं, कर्नाटक में ही आपने देखा लगातार कितनी रैलियां उन्होंने सभाएं करी, मगर हुआ क्या जी, लोगों ने नकार दिया उस चेहरे को। अच्छा, लगातार उनको जुमले नहीं चाहिए, अच्छा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए जी। कर्नाटक की जनता ने साबित किया जी कि अगर आप मुद्दों से भटका करके जी आप किसी चीज को धार्मिक आधार पे चाहते हैं कि चुनाव हो जाए तो नहीं, जनता को चाहिए उसकी मूलभूत सुविधाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी वो चाहे स्टेट कर्नाटक की गवर्नमेंट रही हो, हर जगह नाकाफी रही है, उसकी कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, पेपर पे बड़ी बड़ी बातें होंगी और प्रधानमंत्री से बड़ी बातें तो कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा, मगर धरातल पे अगर उतारने की बात आएगी तो चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात हो, आपको नहीं मिलेगा। आज किसान देखिए, कितने किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं, किसानों के लिए कोई अच्छा कानून लेकर के नहीं आएंगे। अच्छा, लेकर के आएंगे तो आप अपने उद्योगपतियों के हित के लिए कोई कानून लेकर के आ जाते हैं जिसपे आपको बैक होना पड़ता है, कितने किसानों की जाने चली जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री की करनी और कतनी करनी में अंतर अब जनता समझ चुकी है। अच्छा, और वो धीरे धीरे दक्षिण भारत से उसका प्रभाव आपको उत्तर भारत में भी दिखाई देगा। ठीक है प्रदीप भाई, दक्षिण में जो एक राज्य इनके पास था वहां से भी इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ठीक है, और रही उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख लीजिए, चाहे वो नगर निगम छोड़ दीजिए, नगर निकाय देख लीजिए, ग्रामीण जहाँ पे नगर पालिका देख लीजिए, नगर पंचायत, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर आप देखेंगे तो 50% से कम है, तो आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी नकार रही है। जबकि कहा यह जाता है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं वो जिसकी सत्ता होती है उसी के होते हैं, क्यों, जब एक तरफ योगी जी आदेश दे देते हैं, डीएम 17 मेयर जीत के आए प्रदीप भाई, ये भी मत भूलिए, आपके संज्ञान में भी होगा कि किस तरीके से लखनऊ से डीएम को आदेश दिए जाते हैं कि हमें सारी की सारी सीटें जीतनी है। अच्छा, आपके संज्ञान में भी होगा, छुपा नहीं होगा ये चीजें। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस को दूसरे नंबर पे लाना है, ये भी कहा जाता है क्या? क्या कह रहे हैं? ये भी कहा जाता है कांग्रेस दूसरे नंबर पे लाना है क्या? नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई लड़ा रही है पहले अच्छा, नंबर पे आने की। अच्छा, कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है, जनता के मुद्दों की बात करती है। अच्छा, कांग्रेस पहले नंबर पे आने की लड़ाई लड़ रही है और पूरा विश्वास है जी कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के अलावा पूरे उत्तर भारत की जनता, क्योंकि दक्षिण भारत की जनता तो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी है। अच्छा, उत्तर भारत की जनता जो है वो भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करेगी और 2024 में कांग्रेस पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी और केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज होगी और जनता को इनके कुशासन से आजाद करेगी। अच्छा, सपा को संग में लेंगे कि नहीं लेंगे? सपा को नहीं, देखिए सारे जितने भी पक्षी दल हैं कांग्रेस अच्छा, पार्टी हाँ, सबका स्वागत करती है, सभी साथ में आकर के जिस तरीके से अच्छा, ये व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के खिलाफ अच्छा, जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ में है कांग्रेस पार्टी सबका स्वागत करती है और हम खुद सबके साथ में चलने को तैयार है, जो भी समीकरण बनेंगे जिस तरीके से भी तय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया चल रहा है कि विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर देने का, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर कदम सबके साथ चलने को तैयार है। ठीक है, सही मोहम्मद ताकि भाई, बड़ा मुस्करा रहे थे, विवेक सिंह साहब बोल रहे थे, ऐसी कौन सी बात कर दी थी भाई, आप सीट जीत कर आए, मैंने आपको बधाई भी दे दी, विवेक भाई को बता दिया, पर जब वो बोल रहे थे कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है तो बड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई थी, अच्छा क्या बोल दिया था भाई उन्होंने? देखिए, मैं सबसे पहले आभार करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश जनता ने आम आदमी पार्टी को विश्वास किया जी, आम आदमी पार्टी को चुना जी, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी की बात की हमने, चुनाव भर जनता से जुड़े हुए बातों की बात करी थी, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करी थी, हमने हाउस टैक्स माफ करने की हाफ करने की बात करी थी, वाटर टैक्स को माफ करने की बात करी थी, सफाई की बात करी थी, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात करी थी, जनता से जुड़े हुए मसलों की बात करी थी, सफाई की बात करी थी। अच्छा, और हमने देखा कि कुछ समुदाय ने, कुछ लोगों ने हमारे इस मुद्दों को समझा और हमें चुना और हमें मौका दिया आने का। अच्छा, दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी बहुत जगह जीतती है, ऐसा दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ रामपुर में जीतती है, आम आदमी पार्टी सिर्फ रामपुर में नहीं, आम आदमी पार्टी कौशाम्बी में जीती,
आम आदमी पार्टी अयोध्या में जीती, आम आदमी पार्टी कानपुर में जीती, आम आदमी पार्टी बहुत ऐसे क्षेत्र में जीती जहां पे योगी जी का प्रभाव काफी है। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी को बहुत से लोगों ने चुना है, बहुत से लोगों ने मिल जुल के वोट दिया है, और सबका आभार है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को स्वीकृत किया और उसको चुना। और हम कभी भी जो है हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की बात करते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, पुनर्परिभाषित करने की बात करते हैं। अच्छा। आज की डेट में जो राजनीति हो रही है उसमें लोक अलग हो गया, तंत्र अलग हो गया। अच्छा। लोकतंत्र साथ में नहीं चल रहा है। अच्छा। सिर्फ तंत्र का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, चुनाव में आ रही है। अच्छा। लेकिन लोग जो लोग हैं उनके मुद्दों की बात नहीं हो रही। अच्छा, आप तंत्र की बात करते हैं तकी भाई, तो तंत्र अगर होता तो फिर आप जीत के कैसे आते? देखिए, अगर तंत्र सही से काम करता होगा, क्या आप क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीत कर आई है वो व्यवस्था के अनुरूप नहीं रहा है, हम हमारी पार्टी और जीत सकती है अगर बीजेपी वहां पर तंत्र का उपयोग ना करती, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या आप? देखिए, अगर तंत्र का सही उपयोग होता तो इतनी अनियमितताएं नहीं होती। अच्छा। वोटर लिस्ट इतनी खराब नहीं होती। अच्छा। आप लखनऊ में 36.5% वोट हुआ है, आप समझिए 36.5% में अगर 50% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी को 36% वोट मिला है, और अगर ये लिस्ट लंबी होती, इसमें 70% वोटिंग होती, तो ये 18% अपने आप 10% हो जाते। अच्छा। मतलब 90% आबादी ने उत्तर प्रदेश में इस आंकड़े के हिसाब से बीजेपी को नहीं चुना है। अच्छा। मतलब 90% लोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पे विश्वास खो चुके हैं। अच्छा। मतलब बीजेपी जो मुद्दों पे बात कर रही है उस पे 90% लोग डिसएग्री करते हैं। अच्छा। उन्होंने डिसएग्रीमेंट 17 मेयर जीत गई और 90% लोग वोट ना डाल के डाला, 17% 17 मेयर जीत कर आए हैं और 90% लोग मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते हैं, क्या बात है? देखिए, बीजेपी जीती है जी। देखिए, शाहरुख खान जो है वो डर पिक्चर में किरण करता था। अच्छा। बीजेपी जैसे जीतती है मम्मा मेयर कर रही है, मेयर मेयर चिल्ला रहे हैं लोग बकरी की तरह, मेयर मेयर मेयर। अच्छा। अरे मेयर के अलावा और दो बात कर लो, आप मेयर लड़ने नहीं गए थे क्या? आप मेयर लड़ने नहीं गए थे क्या? अरे आपको मेयर से इतनी दिक्कत, लड़ते मेयर, आप भी तो मेयर लड़ने गए थे जी। अरे गौरव भाई, हाँ। जितनी सीटें हैं उनका आकलन करिए आप। अच्छा। और देखिए बीजेपी कितने परसेंट सीटें जीती है। अच्छा। तो आप देखेंगे 33% 34% बीजेपी सीटें नहीं जीती है। अच्छा। जिसको वो बहुत बड़ा करके दिखा रही है, सब करने के बावजूद, चुनाव को पोस्टपोन करने के बावजूद, आरक्षण सही से न करने के बावजूद, इतने परसीमे बदलने के बावजूद, आरक्षण बदलने के बावजूद, ये सब करने के बावजूद ही बीजेपी यहाँ पे पहुंची है। हाँ। कि सिर्फ मेयर में मेयर कर रहे हैं लेकिन और जगह की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लोगों ने इनको बहुत जितना इनको पसंद किया इतना चुना, उससे ज्यादा रिजेक्ट किया है। अच्छा। तो इसका मतलब बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। या बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर बीजेपी के मुद्दों में लोग इंटरेस्ट लेते तो वोट प्रतिशत ज्यादा होता। अच्छा। इतना आपको अपना वोट प्रतिशत पता है? आपको अपना वोट परसेंट पता है तकी भाई? मैं बता दूं, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है जी। कितना हुआ है बता, मैं आपको बता दूं, पसंद किया है। आपका वोट परसेंट केवल 1.63% है और बीजेपी का 31.22% है। अंदर समझ सकते हैं आप अंतर क्या है? तो आप देखिए, अंतर तो बड़ा है लेकिन आप देखिए चुनाव में कितने, इसके बावजूद जितनी अनियमितताओं के बावजूद हमारा वोट परसेंट इतना परसेंट है। जितने वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब है, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में 82 वोटर हैं। अच्छा। और जब लिस्ट आई तो सिर्फ 15 या 16 लोगों के नाम थे, बाकी सबके नाम गायब थे। ठीक है, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तकी भाई, ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी विपक्ष को, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर विपक्ष को जी, नहीं करनी पड़ेगी। आप मुस्कुरा रहे हैं, विपक्ष तो लगातार मेहनत कर रहा है, विपक्ष लगातार लड़ रहा है, मुद्दे उठा रहा है, सड़क पे आ रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है। आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं पर आपको पता है छोड़ के लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है जी। आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए पर विपक्षी आपको बीजेपी की पीटीएम बोलता है, आप ये भी याद रखिये सड़कों पे जी, आम आदमी पार्टी का आवाज उठा रही है। सैयद मोहम्मद तकी, मैं आपको याद दिला दूं, ये विपक्षी आपको बीजेपी की पीटीएम बोलता है, कई बार बोला है, बताइए। अरे ये तो बीजेपी, देखिए जब इनको जहाँ जो सूट करता है बोल देते हैं। अरे ये नहीं बोलते, विपक्ष बोलता है, इसकी बी टीम बोलते हैं जी, कभी बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, ये ABCD में फंसे रहते हैं और हम जगह जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ABCD ठीक है, ठीक है, आप दिलीप भाई बताएंगे, दिलीप भाई बताएंगे कौन है कौन भी है, चुनती जा रही है, चले ठीक है जी। दिलीप भाई, क्या राय है आपकी भाई? सबसे पहले बीजेपी
तो कांग्रेस को जो है बधाई। अच्छा, और साथ में आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की भी पार्टी जो है शिरकत कर चुकी है। शिरकत क्या किया है भैया, जब 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 यहाँ पर मुफ्त पक्षी पार्टी रैली नहीं करेगी, मेहनत नहीं करेगी, तो ओबीसी सक्रिय होंगे ना भाई? हाँ, क्या गलत है? वो जो है सक्रिय हुए और जो है जीत के जब, जब आप किसी को सहारा नहीं देंगे, दूसरा सहारा देगा भाई। बसपा और कांग्रेस जो है जी, इनकी उम्मीद नहीं थी कि जो है नगर निकाय के चुनाव में जो है ये प्रदर्शन अच्छा करेंगे। अच्छा प्रदर्शन किया उम्मीद से जो है, मेहनत ना करने के बाद अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत ना करने के बावजूद भी जो है जी प्रदर्शन 5% वोट मिला है कांग्रेस को, जबकि इनको जो है इस चुनाव में डेड माना जा रहा था। अच्छा, ये लोग ऐसे ही जो है मेन जो है भाजपा और जो है समाजवादी पार्टी के बीच में जो है ये टक्कर है जी, तो इन सारी चीजों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है 17 में से 17 नगर निगम के जो है चुनाव जीते हैं जी, ये अप्रत्याशित है। शायद आज तक जो है कभी क्लीन स्वीप किया है, ऐसा हुआ नहीं है नगर निकायों के मामले में जब से पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व हैं जी। और निश्चित तौर पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव अहम है। इन्होंने जो है चूंकि ये 24/7 जो है हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, उसी का परिणाम है। इस पे जो है समाजवादी पार्टी जो मेन मुख्य विपक्षी दल था है, चुनाव में था अब जो अच्छा, तो हाँ, अच्छा, तो इसको जो है मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, क्योंकि जो रणनीति जो है, जो संगठन है, संगठन में जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है बहुत ही माहिर व्यक्ति है और उनका कोई सानी नहीं है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, उनको शायद ऐसा मत कहिए भाई, लड़ाई ना हो जाए दोबारा। नहीं, यहाँ पर अलगाव खत्म हुआ है, ऐसा मत कहिए। उनका सानी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उस चीज का जो है माननीय अखिलेश जी जो है उसको जो है यूज करेंगे उस जो है गुण को। अभी थोड़ा सा जल्दी में जो है ये पैचअप हुआ है और आगे के जो है चुनाव में देखा जाएगा, अच्छा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अच्छा दिलीप भाई, मेरा एक सवाल रहेगा जी, आपको क्या लगता है जो माइनॉरिटी का वोट है वो कहाँ जाएंगे? माइनॉरिटी आपके तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी का वोट हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ झुकता नजर आ रहा है। देखिए, और ये घंटी है सपा के लिए, अन्य पार्टियों के लिए। माइनॉरिटी जो है परेशान है। अच्छा, और वो उठा पटक के जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है भाई 60 सीटें बीजेपी भी जीतती मेजोरिटी के साथ, पसमांदा समाज की बात ये भी कर जी, रहे जी, थे जी, वही मैं कह रहा हूं, मुसलमानों ने भाजपा को भी वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है और भाजपा ने पसमांदा को जो है जोड़ने की कोशिश किया उसमें जो है। अरे आपको वोट दिया है तकी भाई, आंकड़े मेरे पास भी है, जो है बड़ा अच्छा वोट मिला है। हमारे वोट की बात हो रही, बीजेपी के वोट की बात नहीं हो रही है जी जी। तकी भाई बता रहे हैं, दलीप भाई बता रहे हैं। आप भी जो है मुसलमानों को, जैसे जो ट्रेंड चल रहा था कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वहां से आने के बाद जो है ये लोग मुझे लग रहा है फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। बसपा और जो है सपा में आए, मेरा अगला नहीं बोल रहा जी, ठीक है। अब जो है बसपा सपा से जो है कुछ मोह भंग टाइप का लग रहा, तो जो है बीजेपी में जो है पसमांदा चले गए और आपके जो है कांग्रेस में जा रहे हैं जी। तो अगर जो है समाजवादी पार्टी को मेन विपक्ष की भूमिका में रहना है 2024 के इलेक्शन में जो है, तो यहाँ लामबंदी करनी पड़ेगी, के साथ करना पड़ेगा, यहाँ पर परंपरा के बोर्ड में काम करना पड़ेगा। तो MY समीकरण को इनको जो है फिर से जो है जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है मुसलमान नाराज चल रहे हैं, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। हकीकत ये है कि नाराज चल रहे हैं, उनको जो है वो मुसलमान नाराज चल रहे हैं जिन्होंने 2022 में पूर्ण बहुमत दिया था सपा को जी, बिल्कुल दिया था, बिल्कुल दिया था, एकदम दिया था जी। और रही बात जो है मैं कर्नाटक पे आ जाता हूँ, कर्नाटक वाले चुनाव में जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जी। उसका रीजन ये रहा कि जो है जो 35 साल से जो है वो चल रहा था, मतलब ट्रेंड वहाँ का जो 35 साल बाद आई है फुल मेजोरिटी के बाद, 35-36 साल बाद जी, और इसी को जो है प्रचंड बहुमत कहते हैं। अच्छा, क्यों तिवारी जी, सही कह रहा हूँ, मुबारक हो जी, धन्यवाद। आपकी रणनीति जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल रही है। अच्छा, और उसी का परिणाम है कि जो है आप वहाँ पे जो है क्लीन स्वीप कर दिए हैं, साउथ में जो है भारतीय जनता पार्टी स्वीप हो गई है। ठीक, साथ में आप जो है 2024 के लिए जो आपका मुहिम राहुल गांधी ने चलाया है उसको ऐसे सशक्त करते रहेंगे तो शायद प्रत्याशित मिलेगा। ठीक है, मैं एक चीज और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मत समझिएगा। अच्छा, ये वार्निंग बेल है। अच्छा, आप जो है एक स्टेट जीत के खुशी तो बना लेंगे लेकिन
इनकी मेन मुद्दा जो है 2024 का जो है लोकसभा चुनाव का है, जो आप लोग कहते हैं ईवीएम चिल्ला, अभी हमारे जो है नहीं कोई नहीं चिल्ला है, कोई नहीं चिल्ला, नहीं चिल्ला है भाई, आप लोग अब बदनाम मत करिए, नहीं चिल्लाएंगे, कोई नहीं चिल्ला है, कोई नहीं चिल्ला, कोई नहीं चिल्लाएंगे, आप कहीं चिल्लाने लगेंगे लोग जी, क्यों? क्योंकि आने वाले साल भर के अंदर में 4-5 स्टेट में जो है इलेक्शन है, अच्छा वहाँ भी आप ही जीतेंगे, अच्छा फिर कह रहा हूँ वहाँ भी आप ही जीतेंगे, और जो है ईवीएम का कोई रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि आप जीत रहे होंगे। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो आप जो है ईवीएम चिल्लाएंगे, भ्रष्टाचार चिल्लाएंगे, तो सजग हो जाइए, अपने संगठनों को, अपने लोगों को मजबूत करिए, तभी आप लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है विवेक भाई जी, सबकी बातें सुन ली, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, दिलीप जी का बयान ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर, अरे कर लिया करके आए। चलिए रही बात दक्षिण की, कांग्रेस के मित्र ने भी कहा दक्षिण, इन्होंने भी कहा बोला 40% कमीशन लेते थे आप लोग, में केवल एक स्टेट कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, न केरल में है, न तमिलनाडु में है, न आंध्रा में है, अरे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, आप भी तो नहीं है भाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, केरला में भारतीय जनता पार्टी, बारे बारे बोलिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी है, और आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। ये सुन लीजिए, अरे सुन क्या लीजिए, आप ये बताइए कि आप जिस चेहरे का बड़ा प्रधान किया करते थे कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, क्या हुआ 2014 में जब आए थे 20 राज्यों में थे, आज 13 राज्यों तक चिमट गए हैं। इतना विचलित मत होइए, आपसे ज्यादा राज्यों में सरकार आज भी है, दक्षिण दक्षिण सुन लीजिए, दक्षिण में हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, क्लीन स्वीप नहीं हुआ है, जिन घोषणा पत्रों के जिस वादे के साथ आप वहाँ आए हैं उस पर निगाहबानी का काम जनता ने हमें दिया है, अच्छा। और उसे हम बखूबी करेंगे, अच्छा। अभी तो आप अपने दो औलादों से पहले मुक्ति पा लीजिए, हर राज्य में दो दो संतान आपकी टहलती है, इस राज्य में देखिए क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, अरे एक, एक कुर्सी होता है, आपकी डबलिंग सरकार बनती है, एक पैदल टहल रहा है, योगी जी को बना रखा आपने, योगी जी को बना रखा था पहले, क्या आप ब्रिजेश पाठक को बना रखा है, बात ब्रिजेश, अरे मुख्यमंत्री की बात चल रही है, बात समझ के बाद उस पर प्रतिक्रिया दिया करिए तकी भाई जी, एक मुख्यमंत्री बना बैठा है, एक मुख्यमंत्री पैदल टहल रहा है, भाषा पे बिल्कुल कड़ा ऐतराज है गौरव जी भाई, मर्यादा मर्यादा रखिए, नहीं प्रयोग कर मर्यादा मर्यादा रखिए, एक एक मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये गलत बात है, ये गलत बात, एक मुख्यमंत्री गलत बात है, कांग्रेस की अभी आपकी सरकार नहीं बनी, विवेक भाई गलत बात रुक जाए, अभी आपकी सरकार नहीं बनी, आप किस तरह के बड़बोलेपन है, अभी अभी पहले आप मुख्यमंत्री तो तय कर लीजिए, विवेक भाई किस तरह बात कर रहे हैं, अभी अभी पहले आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, नहीं रुक जाए, आप एक स्टेट में भी आपका खाता खुला है, आप बता रहे दक्षिण से भाजपा साफ हो गई, आप दक्षिण से भाजपा साफ कर देंगे, ये शब्द आपके हैं, राजनीति को खदेड़ा जाता है, ये शब्द है आपके, हमें वहाँ पे विपक्ष की भूमिका दी है, आपके निगाहबानी का काम दिया है, पहले आप मुख्यमंत्री को तय कर लीजिए, मर्यादा पहले आप अपने मुख्यमंत्री तय कर लीजिए, ज्यादा 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 चुपे मत पालिए, सुन लीजिए, आप सीख लीजिए भाषा, आप ठीक करिए, आप सीखिए, जब आप कह रहे खदेड़ दिया, लोकतंत्र में खदेड़ना कौन सी बात होती है, अरे प्रदीप भाई को बोले लोकतंत्र में खदेड़ना कौन सी बात होती है, आप बताए प्रदीप भाई को बोले खदेड़ दिए, तो बोले आप अपनी मर्यादा ठीक कर लीजिए, लोकतंत्र में खदेड़ना कौन सी भाषा होती है, अरे आपको सत्ता में दिया, हमें विपक्ष में दिया, ठीक है खदेड़ना कौन सी भाषा होती है भाई, आप अपनी भाषा ठीक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, भाषा जिस तरह भाषा में बात करें उसी भाषा में जवाब पाएंगे, अच्छा अरे आपको किस बदतमीजी से बात की मैंने, आप खदेड़ना शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कौन खदेड़ सकता है, एक राष्ट्रीय पार्टी को जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कौन खदेड़ सकता है बताइए, अरे आपको सत्ता दी हमें विपक्ष दिया, ये जो आपके दोनों नेता आप प्रदेश में टहल रहे हैं, पहले तय कर लीजिएगा मुख्यमंत्री कौन होगा, एक एक मुख्यमंत्री बनता है, एक पद यात्रा करता है, आराम से बोलिए, आप अपनी अपनी शब्दावली ठीक कर लीजिए, आप अपने शब्द ठीक करिए, लोकतंत्र में
क्या होता है भाई, इनका कहना ये कोई जीतता है कोई हारता है। प्रदीप भाई सुनिए, प्रदीप भाई सुनिए, अब मैं बार बार इंटरप्ट करूंगा आपको, करो प्रदीप भाई, करो, कोई उससे घबराता नहीं है। प्रदीप भाई इन्होंने कहा कोई घबराता नहीं है, ये तो कागज का भाई। प्रदीप भाई सुनिए, आप लोगों ने बार बार बोले, लोगों को बोलने नहीं दिया, ठीक है, बोलने तो नहीं बिल्कुल, आप यही करोगे, आपका यही आचरण है, यही आचरण है। जरा से जर्जी पा गए, अभी फूले नहीं समाओगे, अभी अभी जब गुब्बारा दो अन्य स्टेटों फटेगा, प्रदीप भाई एकदम वही भाषा जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र खदेड़ना जैसा शब्द क्या होता है बताओ, ये कह रहा है आपने खदेड़ा क्यों बोला, क्यों ये बोल रहे हैं आपने खदेड़ना शब्द क्यों, लोकतंत्र में खदेड़ना जैसा शब्द क्या होता है, हारता है हारता है। अब माखोला बनाई प्लीज प्रदीप भाई, इनका तो कहना है, फिर आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है प्रदीप, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रदीप भाई, बिल्कुल सुनो, दो अरे मेरी बात सुनिए पहले भाई, मेरी क्या होता है ये सुनिए प्रदीप भाई, आप कोई भी मैं फिर लोग लुभावने वादे करके आपको अगर मौका मिला है तो आओ उनको वादों में क्या करो। प्रदीप भाई वादी में विवे भाई प्लीज प्लीज, प्रदीप भाई इनका कहना ये है कि आपने खदेड़ना शब्द बोला, एक एक पक्ष को खरीदने का बोला आप, उनको मुझे औलाद में तो उसकी मुझे बता देंगे कि औलादे पैदा करके रखी है वहाँ पे, लिए हमने थोड़ी कहा पैदा कर रखी भाई, जो आपके कांग्रेस के लोग टहल रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं, टहल क्या भाई, क्यों भाई पति पर एक बार पैदल पैदल बाजार कर रहा है भाई, सही हम रखिए भाई सही, क्यों क्या सही है भाई, ये भाषा अपने ठीक करें, ये लोग क्या होता बता देंगे, लोकतंत्र में खदेड़ना जैसा शब्द क्या होता है, मर्यादा में इन्हें सत्ता मिली हमें विपक्ष मिला, खदेड़ना का शब्द क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आप तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में शून्य है, तो क्या हमने आपको दौड़ा दिया, यहाँ से भगा दिया, ये भाषा है आपकी, ये भाषा है, आप तो कई विधानसभा में शून्य हो चुके हैं, विधान परिषद में शून्य है, तो क्या हम कहें कि उत्तर प्रदेश जनता ने आपको खदेड़ दिया, ये भाषा है आपकी, लोकतंत्र में खदेड़ना का शब्द क्या होता बताइए आप, लोकतंत्र में लोग बताइए, कोई हारता है कोई जीतता है, किसी को जनमत अपनी बात से विपक्ष मिलता है, खदेड़ना का शब्द क्या होता है, व्यक्तिगत जो बिल्कुल शब्दों का प्रयोग किया है, बिल्कुल जैसी भाषा आप प्रयोग करेंगे उसी भाषा में आप जवाब पाएंगे, उसी भाषा में आप जवाब पाएंगे। प्रदीप भाई ऐसा मत कहिए, आप अपनी भाषा ठीक रखिए, दोनों सही है, आप आपके हमसे विपक्ष के संपर्क में प्रदीप भाई आप देखिए हमारे वोटर वोटर नहीं है, हमारे वोटर वोटर नहीं है, हमको जनमत भाई नहीं मिला है, शब्द पे मुझे कड़ी आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति अपने पास रखो, नहीं अगर आप चैनल पर नहीं बैठे होते तो मैं आपको पूरी तरीके से जवाब देता, बिल्कुल जैसे जान दे सकते हो जवाब खुले झूठ है, जैसी भाषा उसी भाषा में जवाब दिया जाए, ऐसा मत बोला करिए, आप शब्द ठीक रखिए, आप ये मत बोला, लोकतंत्र में खदेड़ना जैसा शब्द आपने प्रयोग कैसे किया, देश की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है ठीक है, आपको भाषा शोभा देती है, आप मजबूर ना करिए, चलिए चलिए, आप अपनी मजबूरी अपने पास रखिए, जाके जाके मजबूरी राहुल गांधी सोनिया गांधी दिखाइएगा, यहाँ आपसे आपकी मजबूरी को समझने वाला नहीं, आप थोड़ा सही बना रखिए मोहम्मद एक लाख, नहीं नहीं आपको मैं समझा दूंगा सारी चीजें, जाओ बिल्कुल आपको आसानी से समझ, समझाओ ना कौन रोक रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा आपको समझने में, समझाओ आज में आ जाएगा आसानी से, जाओ ना कौन रोक रहा है, प्लीज 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 सही बना रखे, प्लीज मैं बता तो रहा हूँ चैनल से, आप बाहर चैनल आप बाहर दीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए सुखद क्षण है, इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग कर भाषा ठीक कर लेता, मैं जवाब दूंगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है, मोहम्मद एक लाख गौरव जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तक उस शब्द पे माफी नहीं मांगेंगे डिबेट कंटिन्यू नहीं होगी, या आप उससे कह दीजिए मैं आपके, उनको आपके शब्द पे आपत्ति है और आप उनके शब्द पे आपत्ति है, आप ये बताइए आप दोनों आप दोनों औलादे पैदा करना और खदेड़ने की आप तुलना करेंगे, आप आपत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं आपको खदेड़ सकता हूँ लोकतंत्र जी को, कैसे खदेड़ देगा कुछ ने, जन्म समय मिला है, विपक्ष का मिला, आपको सत्ता का मिला, खदेड़ना जैसा शब्द क्या होता है बताओ आप, अरे कहां पढ़ के आए हो आप, व्यक्तिगत मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला, आप व्यक्तिगत बोले, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे प्रदीप भाई,
उन्होंने व्यक्तिगत नहीं बोला, उन्होंने कांग्रेस की बात कही है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने दो दो औलादे पैदा करके रखी है। नहीं, आपकी बात नहीं की उन्होंने कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस की बात की है। उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात की है, उन्होंने आपकी बात नहीं की है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ठीक है? कि कांग्रेस के द्वारा दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार टहल रहे हैं और जो औलादे टहल रहे उसकी बात की है उन्होंने। आप व्यक्ति को नहीं, ये औलादे पैदा कर करके ये सभ्यता है, प्रवक्ता नहीं। यहाँ पर सही रखना चाहिए भाई, सभ्यता नहीं है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, सचिन पायलट टहल रहे हैं, अपनी सरकार खिलाफ, उस पर क्या टिप्पणी आपकी है, आप बताएं। आपको बोलना चाहिए, जो भी आपकी बातें हैं सब सभ्य भाषा में आप कहिए। आपने सभ्य भाषा प्रयोग किया क्या? आप खदेड़ा शब्द का प्रयोग करके गौरव जी, मैं माफी के साथ में आपकी डिबेट प्रदीप भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यू करते रहिए। गौरव जी क्षमा चाहते हैं, नाराजगी अपनी जगह है, पर उन्होंने आपके व्यक्ति का आक्षेप नहीं किया, कांग्रेस को लेकर कहा। ठीक है मोहम्मद कलाक, देखिए बड़ी गर्मा गर्म बहस अभी तक हो गई, वो तो होती है हमारे विभाग, विवेक भाई भारतीय लोगों की खूबसूरती हो गई है। विवेक भाई को बड़ा गुस्सा आया खदेड़ना जैसे शब्द पे। देखिये, खदेड़ना शब्द का इंग्लिश मीनिंग हो गया ड्राइव ऑफ। जी, खदेड़ना कई तरह के आप ले सकते हैं जी भाई, अस्वीकार करना, प्रतिशोध करना, हटाना, चले जाना, किसी चीज का गुजर जाना जी। अब देखिए मामला क्या है, विवेक भाई हमारे बोल तो गए कि दो औलादे वाली बात जो इनको भी नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल। तो जो चीजें देखिए मर्यादा होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, ये भी हमारे भाई हैं, हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है। छोटे में हम लोग प्लेज भी लेते थे, ऑल इंडिया सर्वे ब्रदर्स एंड सिस्टर जी, तो आज वो सभ्यता क्या हम भूल चुके हैं, बिल्कुल। तो वो चीज हमें संयम बना के रखना चाहिए। राजनीति है, जनता किसको मौका देती है वो ठीक है, नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमको विपक्ष में बैठाया, हमको स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को सत्ता दी, विपक्ष में बैठाया, ठीक है, मगर इससे की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए चुनाव है 2024 के, इससे पहले अभी बात, एक भाई अभी मैं सोचता हूँ थोड़ा गुस्से में है तो मुस्कुरा ले, क्योंकि हमारे देश में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो भुखमरी की बात हुई थी उसमें हमारा देश 107वें स्थान पे, 107वें स्थान पे लीजिए। और अभी मुस्कुराने की बात की, मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं। देखिए आपके आपके चीजों आप ग्लोबल आपके चीजें में आएंगे, अगर इंडेक्स बताएंगे अब मैं तो बताएंगे बांग्लादेश ऊपर है, अरे मेरी बात ऊपर रही है बात, ये आंकड़े, ये ग्लोबल बात कर दी, आप लोग हमारे पास क्या करना है। और अभी आप बात करने और बात मुस्कुराने की बात पे कह दिया कि मुस्कुराने स्टेट में टहल रही है, बुरा लग गया भाई। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हैं। अरे मुस्कुराने, जवाब दे दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हैं, ठीक। हमने कहा कांग्रेस की दो औलादे हर स्टेट में टहल रही मुख्यमंत्री पद के लिए, इनको बुरा लग गया। क्या कांग्रेसी कांग्रेस को अपनी माँ नहीं मानते? हो सकता ना मानते हो, इनका विषय है। मैंने यही तो कहा, कांग्रेस की दो औलादे हर स्टेट में टहल रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, एक जगह एक पैदल टहल रहा है, अभी देखे दो में क्या फैसला होता है। तो इसमें जो जनता सफर करती है, मैंने उस पर टिप्पणी की थी, अच्छा। उसको लेकर के ये हंगर इंडेक्स बता रहे हैं, हंगर इंडेक्स के आप मुस्कुराहट हो रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान उसके ऊपर है, अफगानिस्तान उसके ऊपर है, बिल्कुल बताइए। इन बातों कोई मसला है, डीजल पेट्रोल बातों का कोई और भुखमरी बेरोजगारी अत्याचार भ्रष्टाचार महिलाओं का बिल्कुल उठाएंगे, यही इंडेक्स अगर चुनाव में हो सही होते हैं। मोहर लगाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो फूले नहीं समा रहे थे। अरे बात सुनने की बात करिए, हम जीत के आ रहे हैं, इनकी बात है जी। एक मेयर दिल्ली में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी फूले नहीं समा रही थी, अच्छा। हम 17 मेयर जीत के आए हैं, मैं कर रहे हैं, ये इनकी बात है। ताकि भाई क्या बात, क्या बोलूं इस पर, आप बताइए जरा भाई, ये मैं क्या बोल रहे, क्या 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 बात है बता दीजिए आप। 17 मेयर हम जीत के आए, आप जिले के जो भी उस नगर निगम का प्रथम नागरिक है, आप उसका इस तरह से अपमान कर रहे हैं, कह रहे मैं क्या मतलब भाई मैं का। आप एक मेयर जीते, हमने आपके मेयर के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी की नहीं, जीते आप,
हमने उसका सम्मान किया, ठीक है, हार की आप करे 17 क्या होता बता दीजिए, आती तो बकरी है और भी जीते, ये बकरियां जीत के आई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप महानगर पालिकाओं के प्रथम नागरिक का अपमान कर रहे हैं, और जो हमें वोट दिया उसके वोट की वैल्यू नहीं है, आपको वोट मिल जाए तो उसकी वैल्यू है। ये एक तरीका लोकतंत्र में बात करने का, हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे लोग। चले ठीक है, अरे भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को मर्यादा नहीं सिखाई लोकतंत्र की, अच्छा। अपने मर्यादा में रहे, जिस तरह की भाषा शैली की बात और हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, योगी जी ने की है, हाँ। और नेताओं ने की, उस एग्जाम्पल रखूं सामने में आपके? अच्छा बोल लीजिए भाई, एक बताइए ना, सतेंद्र जैन के बारे में बताइए, मनीष सिसोदिया के बारे में बताइए, बताइए तिरंगा लेके निकले तो मसाज पार्लर तक पहुंच गए हो, अकेले अकेले कमरे में नहीं मिलता, मन बापी का अलॉटमेंट कराया जा रहा था हाल ही में, बताइए ना उसके बारे में, मसाज पार्लर तक कैसे पहुंची आम आदमी पार्टी, शराब घोटाले तक कैसे पहुंची, 8 लाख के पर्दे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लुटाने वाले लोग, ये कौन से लोकतंत्र की अवधारणा है बता दो आप? 8-8 लाख के पर्दे, गरीब के मकान का, गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब के मकान के लिए 1,20,000 मिलता है, 8 लाख के पर्दे लगवा दे, शर्म नहीं आती आप लोग? हो गया हो गया हो गया, बीजेपी ने मन की बात खर्चा कर दी, 8 लाख रुपए का पर्दा और आप लगवा रहे हो, गरीब का, गरीब का मकान 1,20,000 बन जाता है, कौन सा कर रहे हो उससे? कितना पैसा आपने दिल्ली में खर्चा किया प्रचार प्रसार पे, उतने में तो लाखों गरीब मकान बन जाते हैं, दिल्ली में आपने प्रचार प्रसार पे खर्चा किया है, दिल्ली सरकार का दिया हुआ चुपका ले, उसमें लाखों गरीब मकान बन जाते हैं। डिबेट खराब मत कर, ठीक है, जो बीजेपी ने कार्यालय पैसा खर्च किया है, जनता का पैसा नहीं है वो, अपने हमारे कार्यकर्ताओं का पैसा है, हम जुटाते हैं, हम जुटाते हैं, हम जुटाते हैं, वो हमारा पैसा है, वो आपके जनता का पैसा नहीं है, देख लो हो गया, मुझे सब पता है किसका पैसा है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो सबको दिक्कत हो जाएगी, इसे मुझे ना बताएं किसका पैसा है, ठीक है, एक लाख भाई प्लीज, देखिए बात रह गई थी जी, मैं वहां से फिर शुरू करना जल्दी बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मुस्कुराने पे हम लोग 133वें नंबर पे 156 में से, अच्छा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्कुराना, अब सुनने की बात सुनिए, भूख से मरते थे, हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया, कोविड जैसे महाप्रलय में भी हमने किसी को मरने नहीं दिया, हमने हर गरीब को राशन मुहैया कराया, दिल्ली को, मुंबई को, सरकार जब इन्होंने दिल्ली से लोगों को भगाया, हमने उड़ के भी चूल्हे जलवाए, हमने महाराष्ट्र से लोगों को भगाया, भारत में भूखा सोने नहीं दिया, किसी को भूख से मरने नहीं दिया, हमारे बेटा आपका सुन लीजिए मेरी बात, बताइए 2 साल में हमारी सरकार आने के बाद आप एक नाम बता दीजिए, श्रीवास्तव जी जो भूख जब आप बोलने थे तब तो बोलेगा ना, भूख से कौन बोल तो रही है, जाइए जवाब तो लीजिए लीजिए, मैंने 2022 का आया सर्वे वो बताया, दूसरी चीजें आपने कर दी कोविड वाली, चलिए दिल्ली ने भगा दिया, कौन बड़ा बताइए, दिल्ली इनमें भगा दिया, आपने भगाया, आपने कौन सा अपने बसे दे दी, आपने कौन सा सेवाएं दे दी, हमने राशन बोया कराया, चले हो गया है क्या करा सकता है, कर रही है उत्तर प्रदेश की, देश में चाहे जा कर आसर कार्ड और राशन दिया जाएगा, हमारा फैसला है, हमारी सरकार का फैसला है, हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया, एक नाम बता दीजिए जो भूख से मरा हो, एक नाम बताइए, मेरे डिबेट को डंकल पर बढ़ाइए, एक नाम बताइए भूख से मरा हो, कौन भगाया है, कौन पुचकारा है, कौन राशन खिलाया है, कितने मजदूर, ठीक है, मुझे पता है, कितने मजदूर सुसाइड कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है,
मुझे सब भारत पता कहते कितने कौन भूखा किसका क्या हाल है कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हो गया आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर चर्चा के दौरान एक बार जरूर बोलूंगा कि मुझे सब पता है कहाँ कितनी सफाई है, कहाँ कितना पानी साफ है, कहाँ व्यवस्थित बढ़िया है, कहाँ कितना सुशासन है। जनता को भले ही ना आप बहलाते रहे पर हम जैसे खबरन बीज को नहीं बहला सकते हैं। हम जैसे खबरन बीज जनता जनार्दन की आवाज भी जानते हैं और जनता को भी जानते हैं। बहुमत किसको मिलता है, सरकार किसकी बनती है, वो जनता का जनाधार होता है। पर जनाधार के बीच में एक बात भी याद रखनी चाहिए कि जो जनता जनाधार देती है वो जनता आपको कुर्सी उतार भी सकती है। इसलिए कोई भी पार्टी अहंकार बना रहे, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं रहता है। यहां सबसे बड़ा फैसला देश में जनता का जनाधार होता है, वही जनता जनार्दन आपको कुर्सी बैठाती है और कुर्सी से हटाती है। इसलिए अहंकार को मत पालिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए और कम से कम जनता के लिए सोचिए। आपसी मतभेद, आपसी विचारधारा और आपसी आरोप प्रत्यारोप ठीक है, पर आपसी प्रत्यारोप के बीच में गर्मा और मर्यादा को बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। संयम जरूरी है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी मर्यादा और संस्कृति और व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी छोटी पार्टी हो, बड़ी से बड़ी पार्टी और छोटी छोटी पार्टी के लिए सबक है कि संघर्ष करना जरूरी है, अपने परंपरागत वोट बैंक पर मेहनत करनी जरूरी है, स्पष्टीकरण के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर संघर्ष जरूरी नहीं होगा तो सरकार बदलेगी कैसे। संघर्ष भी करिए, मेहनत भी करिए, कम से कम संयम बनाए रखिए जनता के बीच जाने के लिए कि जनता जनार्दन है। अगर जनता की बात नहीं कहेंगे तो उसका परिणाम हर कोई भुगतेगा, चाहे वो पार्टी हो, चाहे आम जनता हो और चाहे हम जैसे खबरन बीच हो, क्योंकि हम सब जनता के ही प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में बेहतर दृष्टि से काम करना जरूरी है। निकाय चुनाव में आने भी आने समय में आएंगे और लोकसभा चुनाव भी आएंगे, पर जनता के मुद्दों पर चर्चा होने जरूरी है। जनता के मुद्दों पर चलते रहिए, संघर्ष करिए और चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।